नमस्कार, आपका स्वागत है एबीपीएस न्यूज़ चैनल में। मैं हूँ आरती सिंह और आज आपके लिए लाई हूँ वो खास खबरें जिन्होंने पहले पेपर पर अपनी छाप छोड़ी है। तो चलिए चलते हैं दैनिक जागरण की ओर, देखते हैं किन बड़ी खबरों ने अपनी छाप छोड़ी है। तो बढ़ते हैं खबरों की ओर। ये खबर झांसी से प्रकाशित की गई है। बताया जा रहा 2 बोगिया खाक, 37 डिप्टी कलेक्टर समेत सभी को सुरक्षित किया गया है। झांसी ग्वालियर दिल्ली से विकासपट्टनम जा रही एपी एक्सप्रेस के 2 कोच B6 और B7 में सोमवार को आग लग गई। यात्रियों ने चेन खींचकर जान बचाई। आग पर फायर ब्रिगेड की 14 गाड़ियों ने काबू पाया। CPRO गौरव कृष्ण बंसल ने बताया कि हादसा सुबह 11:53 पर हुआ। तब ट्रेन ग्वालियर के से पहले बिरला नगर स्टेशन पहुंचने वाली थी। बोगियों को काट कर अलग किया व फंसे यात्रियों को सुरक्षित उतारा गया। कोच में दिल्ली से ट्रेनिंग कर भोपाल लौट रहे 37 डिप्टी कलेक्टर भी सवार थे, जिन्हें सुरक्षित निकाल लिया गया। वहीं बढ़ते हैं दूसरी बड़ी खबर की ओर, जो कि मुरादाबाद से प्रकाशित की गई है। बताया जा रहा है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 24 मई को नूरपुर के खालसा इंटर कॉलेज में जनसभा को संबोधित करेंगे। उनके साथ डिप्टी CM केशव मौर्य भी आएंगे। प्रधानमंत्री के सहयोगी राजभूषण रावत ने बताया कि नूरपुर में जनसभा के बाद मुख्यमंत्री शाम को 4:50 पे हेलीकॉप्टर से मुरादाबाद में बदसाना हवाई पट्टी पर पहुँचेंगे। उसी के साथ समय हुआ एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। बने रहिए ABPS न्यूज़ के साथ। ABPS न्यूज से जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड लेटेस्ट वीडियो पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें। साथ ही हमारे Facebook, Twitter, Google+ को लाइक फॉलो जरूर करें। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है ABPS न्यूज में। तो चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जो कि प्रकाशित की गई है मुरादाबाद से। बताया जा रहा है नगर निगम तली झाड़ नाला सफाई अभियान का दावा कर रहा है। लोगों में रोज देखने को मिल रहा है रमजानों के दिनों में सफाई के दावे किए जा रहे थे। रेती स्ट्रीट में देर शाम तक जल भराव रहा। इधर जयंतीपुर में नाला चौक होने से सड़क पर भारी पानी भर गया। बच्चे, महिलाएं और पुरुष सभी को गंदे पानी से होकर गुजरना पड़ा। इसी के साथ बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर, जो कि प्रकाशित की गई है स्वास्थ्य विभाग से। बताया जा रहा है एम्बुलेंस नहीं मिलने पर अस्पताल के गेट पर महिला की मौत हो चुकी है। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के गेट पर 108 एम्बुलेंस सेवा के इंतजार में महिला की मौत हो गई। परिजनों ने बीमार महिला को जिला अस्पताल ले जाने के लिए 3 बार एम्बुलेंस के लिए फ़ोन किया था, परंतु बार बार आश्वासन मिलता रहा लेकिन एम्बुलेंस नहीं पहुंची और दर से तड़प कर महिला ने दम तोड़ दिया। बिलारी के मोहल्ला ठाकुरान निवासी मोहम्मद जहूर की पत्नी इसरत जहाँ ने 5 दिन पहले अस्पताल में बच्ची को जन्म दिया था। रविवार शाम अचानक महिला को पेट दर्द होने के कारण बिलारी के अस्पताल में उपचार के लिए भर्ती कराया गया। ड्यूटी पर तैनात महिला चिकित्सक डॉक्टर शीतल ने उसे इंजेक्शन लगाया और दवाई दी लेकिन तबीयत बिगड़ती चली गई। सोमवार सुबह 7:45 डॉक्टर ने महिला को जिला अस्पताल रेफर कर दिया। वहीं उसी के साथ डॉक्टर संदीप गुप्ता चिकित्सा अधीक्षक ने बताया कि महिला की मौत में किसी भी स्वास्थ्य कर्मी की लापरवाही नहीं है। अस्पताल से घर जाने के बाद किसी कारण महिला के पेट में चोट लग गई और इसी चोट की वजह से उसकी हालत बिगड़ गई और महिला की मौत हो। और ये थी आज की बड़ी खबरें जिन्होंने अखबार के पहले पेपरों पर अपनी छाप छोड़ी है। ABPS न्यूज़ में आज के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार। ABPS न्यूज़ से जुड़े रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड लेटेस्ट वीडियो पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें। साथ ही हमारे Facebook, Twitter, Google+ को लाइक फॉलो जरूर करें।